गुड मॉर्निंग एवरीवन, जय देवी कंपटीशन क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज हम शुरू करते हैं डेली करंट अफेयर क्लास। तो डेली करंट अफेयर क्लास में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे हम आपके समक्ष डिस्कस करेंगे और उनके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी बताएंगे। तो चलते हैं अपने हम आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। देख लेते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन कौन सा बना हुआ है। तो आप लोगों को जवाब देना है, आप लोग विनम्रतापूर्ण और सद्भावपूर्ण से आप जवाब देंगे। तो देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन कौन सा बना हुआ है। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन हमारा है, पाकिस्तान की इंटेलिजेंस ISI के प्रमुख कौन बने हैं। तो पाकिस्तान की इंटेलिजेंस ISI के प्रमुख कौन बने हुए हैं, तो ये आपको जवाब देना है। तो आप देखें और जवाब दें। तो इसमें अंजुमन सिन्हा है या फिर नदीम अंजुमन है या फिर इसमें विजय कुमार हो जाएंगे या फिर अख्तर अब्बास। तो इसमें से पाकिस्तान इंटेलिजेंस ISI के प्रमुख कौन बने हैं, तो ये बने हुए हैं नदीम अंजुमन पाकिस्तान की इंटेलिजेंस ISI के प्रमुख बने हुए हैं। तो ये हैं नदीम अंजुमन, यही हैं पाकिस्तान की ISI इंटेलिजेंस के प्रमुख। ओके, अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में पहली फिल्म बनाने के लिए किस देश का फिल्म चालक दल ऑर्बिट में पहुंचा। तो अंतरिक्ष में पहली फिल्म बनाने के लिए किस देश का फिल्म चालक दल ऑर्बिट में पहुंचा है। तो देखते हैं कहां का पहुंचा है, अमेरिका का, चीन का या फिर ब्रिटेन का या फिर रूस। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही है, तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही है ऑप्शन नंबर चार, रूस। रूस के जो हैं फिल्म संपादक वो ऑर्बिट में पहुंच गए हैं। ठीक है, तो अंतरिक्ष में पहली फिल्म बनाने के लिए रूस देश का फिल्म चालक दल ऑर्बिट में पहुंचा है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मेल्ट वाटर चैंपियनशिप शतरंज टूर खिताब किसने जीता है। तो हाल ही में मेल्ट वाटर चैंपियनशिप शतरंज टूर खिताब किसने जीता है। तो इसमें नदीम अंजुमन है, मैग्नस कार्लसन है या फिर विजय कुमार हैं या फिर सरिता सिंह हैं। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर सही है दो, मैग्नस कार्लसन जो हैं ये मेल्ट वाटर चैंपियनशिप शतरंज टूर खिताब इन्होंने जीता हुआ है। तो ये है इनका फाइल फोटो, मेल्ट वाटर चैंपियनशिप शतरंज टूर खिताब मैगनस कार्लसन ने जीता हुआ है। अगला क्वेश्चन है, यशुदासन का निधन हुआ है वह कौन थे। तो हाल ही में यशुदासन का निधन हुआ है वह कौन थे, लेखक थे, साहित्यकार थे या फिर अभिनेता थे या फिर कार्टूनिस्ट। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही है चार, कार्टूनिस्ट। यशुदासन का निधन हुआ है वह एक कार्टूनिस्ट थे। तो देख लेते हैं, ये हैं यशुदासन, इनका ही हाल ही में निधन हुआ है, ये एक कार्टूनिस्ट थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, हाल ही में किसने पारादीप पोर्ट ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया है। तो हाल ही में किसने पारादीप पोर्ट ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया है। तो ये हैं मैग्नस कार्लसन, अब्दुल रजाक गुनाह या फिर सरिता सिंह या फिर PL हरानाथ। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही है चार, PL हरानाथ जो हैं ये पारादीप पोर्ट ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में इन्होंने पदभार ग्रहण किया हुआ है। तो ये हैं पारादीप पोर्ट ट्रस्ट के PL हरानाथ को अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया है इन्होंने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2021 किसे मिला है। तो साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2021 किसे मिला है, यह है अब्दुल गुरनाह को या फिर बेंजामिन लिस्ट को या फिर डेविड मैकलन को या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही है एक, अब्दुल रजाक गुरनाह को। ठीक है, अब्दुल रजाक गुरनाह को ये साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है और बेंजामिन लिस्ट और डेविड मैकलन को इन्हें रसायन का नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है। तो ये हैं साहित्य के नोबेल पुरस्कार विजेता अब्दुल रजाक गुरनाह। ओके, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे चैंपियन ऑफ चेंज अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो हाल ही में किसे चैंपियन ऑफ चेंज अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो इसमें ऑप्शन हमारा है सुश्री सरिता सिंह को या फिर विजय कुमार को या फिर हो जाएगा इसमें हमारा अभय सिंह या फिर ऑप्शन नंबर चार है निर्मल कुमार। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही है, चैंपियन ऑफ चेंज अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है। तो ये किया गया है सुश्री सरिता सिंह को, चैंपियन ऑफ चेंज अवार्ड से सुश्री सरिता सिंह को सम्मानित किया गया है। देख लेते हैं, सुश्री सरिता एक टीचर हैं जो प्रदर्शनी ऑफ एजुकेशन की ट्रस्टी हैं। इन्हें महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के द्वारा यह अवार्ड प्रदान किया गया है। तो ये हैं चैंपियन ऑफ चेंज अवार्ड से सम्मानित सुश्री सरिता सिंह। ओके, अगला क्वेश्चन है, हैनले पासपोर्ट इंडेक्स में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है। तो हैनले पासपोर्ट इंडेक्स में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है, तो ये भारत है,
जापान और सिंगापुर, दक्षिण कोरिया या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही है 2, जापान और सिंगापुर। जापान और सिंगापुर दोनों ये पासपोर्ट हैनले पासपोर्ट इंडेक्स में शीर्ष पर रहे हैं, जबकि इसमें भारत का स्थान 90वां रहा है। ठीक है, 90वें स्थान पर भारत इसमें रहा है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया गया है? हाल ही में भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 4 अक्टूबर को, या फिर 6 अक्टूबर को, या फिर 7 अक्टूबर को, या फिर 8 अक्टूबर को। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही है ऑप्शन नंबर 4, 8 अक्टूबर। 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस हाल ही में मनाया गया है। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में फोर्ब्स इंडिया रिच लिस्ट 2021 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो हाल ही में फोर्ब्स इंडिया रिच लिस्ट में 2021 में कौन शीर्ष पर रहा है? मुकेश अंबानी, गौतम अडानी, शिव नडार या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही है 1, मुकेश अंबानी। मुकेश अंबानी फोर्ब्स इंडिया रिच लिस्ट में प्रथम स्थान पर हैं, द्वितीय स्थान पर गौतम अडानी हैं और तृतीय स्थान पर शिव नडार जी हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने सभी जिलों में एंटी नारकोटिक्स सेल स्थापित करने की घोषणा की है? तो किस राज्य सरकार ने सभी जिलों में एंटी नारकोटिक्स सेल स्थापित करने की घोषणा की हुई है? तो ये उत्तर प्रदेश है, गुजरात है, या फिर महाराष्ट्र है, या फिर कर्नाटक। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? तो ये आपको देखना है और बताना है कि इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही है। तो देखते हैं सबसे पहले जवाब इसका कौन देता है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही है ऑप्शन नंबर 3, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य सरकार के द्वारा सभी जिलों में एंटी नारकोटिक्स सेल स्थापित करने की घोषणा की गई है। महाराष्ट्र राज्य सरकार ने ही मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलेशन योजना चालू की है और यहाँ पर पिपरी चिंचवाड़ा नगर निगम पुणे में देश का पहला सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड जारी करने वाला राज्य बना हुआ है भारत देश का। ओके, तो देख लेते हैं अगला। तो पुणे के महाराष्ट्र के बारे में, तो पुणे स्टेडियम का नाम नीरज चोपड़ा के नाम पर रखा गया है। संजय गांधी गुनमुल, नवेगांव नेशनल पार्क, ये सब कहाँ है? महाराष्ट्र में है। शिवाजी साउथ ब्लॉक द अनरिटन हिस्ट्री ऑफ ए प्राउड पीपल, ये महाराष्ट्र की हिस्ट्री पर बेस पुस्तक है, इसे ग्रीस कुबेर ने लिखा हुआ है। और महाशरद मंच, ये विकलांग व्यक्तियों के लिए महाराष्ट्र में चलाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में स्थित बोर्डलोइंग हवाई अड्डे का संचालन अडानी ग्रुप को सौंप दिया गया है? तो हाल ही में किस राज्य में स्थित बोर्डलोइंग हवाई अड्डे का संचालन अडानी ग्रुप को सौंप दिया गया है? तो ये असम में है, मेघालय में है, उड़ीसा में है, या फिर छत्तीसगढ़ में। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही है 1, असम। असम राज्य में स्थित बोर्डलोइंग हवाई अड्डे का संचालन अडानी ग्रुप को सौंप दिया गया है। देख लेते हैं असम। असम में पर्यटन संजीवनी योजना चल रही है। बांचुंगा महोत्सव असम में मनाया गया है। धनवंतरी योजना, अरुणोदय योजना, ये दोनों योजनाएँ असम में चल रही हैं। भारत का एकमात्र गोल्डन बाग, ये भी असम में देखा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं असम के बारे में। तो असम की राजधानी दिसपुर है और यहाँ के राज्यपाल हैं जगदीश मुखी, मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा। लोकसभा में 14, राज्यसभा में यहाँ पर 7 सीटें हैं और विधानसभा में 126 सीटें यहाँ पर हो जाती हैं। यहाँ के राष्ट्रीय उद्यान हैं कौन कौन से हैं? तो डिब्रूगढ़, साईखोवा, काजीरंगा, मानस, नामेरी और औरंग यहाँ के महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान हो जाते हैं। तो ये है कौन है? असम। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री भारत के 4 दिवसीय यात्रा पर आ रहे हैं? तो हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री भारत के 4 दिवसीय यात्रा पर आ रहे हैं? तो ये है नेपाल, भूटान, श्रीलंका या फिर डेनमार्क। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर सही है ऑप्शन नंबर 4, डेनमार्क। डेनमार्क के प्रधानमंत्री भारत की 4 दिवसीय यात्रा पर आ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, टाटा सन्स ने कितने करोड़ रुपए में एयर इंडिया की बोली जीती है? तो ये 12,000 करोड़ रुपए, 15,000 करोड़ रुपए, या फिर 18,000 करोड़, या फिर 20,000 करोड़। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही है ऑप्शन नंबर 3, 18,000 करोड़ रुपए। 18,000 करोड़ रुपए में टाटा सन्स ने एयर इंडिया की बोली जीती हुई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नोबेल शांति पुरस्कार 2021 किसने जीता है? तो हाल ही में नोबेल शांति पुरस्कार 2021 किसने जीता है? तो ये मारिया रेसा हैं, दामित्री मुरादेव हैं, या फिर बेंजामिन लिस्ट हैं, या फिर डेविड बेकहम हैं। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही है 1 व 2, दोनों। मारिया रेसा और दामित्री मुरादेव, ये दोनों लोगों ने नोबेल शांति पुरस्कार 2021 जीता हुआ है। तो इसमें मारिया रेसा और दामित्री मुरादेव, ये दोनों लोगों ने नोबेल पुरस्कार जीता हुआ है। ठीक है, और ये हैं बेंजामिन लिस्ट और डेविड बेकहम, इन्होंने रसायन विज्ञान में
रसायन विज्ञान में इन्होंने नोबेल पुरस्कार जीता हुआ है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये हैं मारिया रेशा और ये हैं दामित्री मुरादोव। ठीक है, तो मारिया रेशा और दामित्री मुरादोव ये दोनों लोग, इन्हों लोगों ने शांति का पुरस्कार 2021 जीता हुआ है। अगला क्वेश्चन है, भारत और किस देश ने उत्तराखंड में अजय वॉरियर अभ्यास शुरू करने का निर्णय लिया है। तो हाल ही में भारत और किस देश ने उत्तराखंड में अजय वॉरियर अभ्यास शुरू करने का निर्णय लिया है। तो ये अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है या फिर यूके। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर सही है ऑप्शन नंबर 4, यूके। ठीक है, यूके और भारत के बीच में उत्तराखंड में अजय वॉरियर अभ्यास शुरू करने का निर्णय लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया गया है। तो विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया गया है, तो ये 4 अक्टूबर को, 5 अक्टूबर को या फिर 8 अक्टूबर या फिर 9 अक्टूबर। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही है ऑप्शन नंबर 4, 9 अक्टूबर। 9 अक्टूबर को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य में UDAN योजना के तहत चिपी हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया है। तो ये उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में या फिर कर्नाटक में। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही है, ऑप्शन नंबर इसमें हमारा सही है 3, कहाँ, महाराष्ट्र में चिपी हवाई अड्डे का उद्घाटन हाल ही में किया गया है। तो देखते हैं, महाराष्ट्र में पुणे स्टेडियम का नाम नीरज चोपड़ा के नाम पर रखा गया है। संजय गांधी गुनमेल नवेगांव, ये नेशनल पार्क, ये भी सब महाराष्ट्र में है। शिवा जीन साउथ ब्लॉक द अनरिटन हिस्ट्री ए पावर पेपल, ये ग्रेस कुबेर की रचना है। महाशरद मंच विकलांग व्यक्तियों के लिए यहाँ पर लॉन्च किया गया है। महाराष्ट्र की राजधानी नागपुर, 36 जिले यहाँ पर हैं। सीएम उद्धव ठाकरे, गवर्नर हो जाते हैं भगत सिंह कोश्यारी, उप मुख्यमंत्री अजीत पवार हैं। विधानसभा में 288, राज्यसभा में 19 और लोकसभा में 48 सीटें यहां पर हैं। विधान परिषद में यहां पर 78 सीटें हैं। महाराष्ट्र का गठन 1 मई 1960 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने केंद्र प्रायोजित योजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए 39 सदस्य समिति गठित की है। तो इसमें तमिलनाडु है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है या फिर मध्य प्रदेश। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही है ऑप्शन नंबर 1, तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य में केंद्र प्रायोजित योजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए 39 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। कहाँ, तमिलनाडु में। ठीक है, तो तमिलनाडु में ये किया गया है। फिर देख लेते हैं तमिलनाडु, तो चलते हैं तमिलनाडु के देख लेते हैं अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पहलवान अंशु मलिक ने विश्व चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है। तो हाल ही में पहलवान अंशु मलिक ने विश्व चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता हुआ है। तो ये कांस्य पदक है, रजत पदक है या फिर स्वर्ण पदक है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही है 2, रजत पदक विजेता अंशु मलिक ने चैंपियनशिप में रजत पदक इन्होंने जीता हुआ है। तो देख लेते हैं, ये हैं अंशु मलिक, इन्होंने विश्व चैंपियनशिप में रजत पदक जीता हुआ है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आई यूनेस्को की रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में 2631 स्कूलों में सिर्फ एक शिक्षक है। तो हाल ही में आई यूनेस्को की रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में 2631 स्कूलों में सिर्फ एक शिक्षक है। तो ये उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में या फिर छत्तीसगढ़ में। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही है 3, तमिलनाडु राज्य में 2631 स्कूलों में सिर्फ एक शिक्षक है, ये यूनेस्को की रिपोर्ट के अनुसार बताया गया है। देख लेते हैं तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई, राज्यपाल हैं बनवारी लाल पुरोहित, मुख्यमंत्री MK स्टालिन, लोकसभा में 39, राज्यसभा में 18 सीटें और विधानसभा में यहाँ पर 234 सीटें हो जाती हैं। राष्ट्रीय उद्यान यहाँ के मन्नार की खाड़ी, गुइंडी, अनामलाई और मधुमलाई मुरखीति यहाँ के महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान ये हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किस राज्य में ड्रोन मेला को हरी झंडी दिखाई है। तो इसमें उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, तमिलनाडु है या फिर छत्तीसगढ़। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर सही है ऑप्शन नंबर 1, उत्तराखंड में नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ड्रोन मेला को हरी झंडी दिखाई है। तो किसे कहाँ दिखाई है, उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड में ये हरी झंडी दिखाई गई है ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा। उत्तराखंड में हौसला योजना उत्तराखंड की पुलिस के द्वारा ये COVID-19 मरीजों के लिए चलाई जा रही है। ऋषिकेश में अंतर्राष्ट्रीय योग उत्सव का आयोजन किया गया है और भारत का पहला वन चिकित्सा केंद्र ये भी उत्तराखंड के रानीखेत में खोला गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है।
राज्यपाल हैं जनरल गुरमीत सिंह, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, और यहाँ पर लोकसभा में 5 सीटें हैं, राज्यसभा में 3, और विधानसभा में यहाँ पर 70 सीटें हो जाती हैं। राष्ट्रीय उद्यान यहाँ के हैं कार्वेट, गंगोत्री, गोविंद, नंदा देवी, राजा जी, और इसे उत्तराखंड को फूलों की घाटी भी कहा जाता है। किसे? तो उत्तराखंड को फूलों की घाटी भी कहा जाता है। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है? तो अगला क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में बादल बागरी ने किस राज्य के CFO के पद से इस्तीफा दिया है? तो हाल ही में बादल बागरी ने किस राज्य के CFO के पद से इस्तीफा दिया है? तो ये CEO जियो के थे, या वोडाफोन के थे, या फिर एयरटेल के थे, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये एयरटेल के CFO थे बादल बागरी, इन्होंने हाल ही में इस्तीफा दे दिया है एयरटेल से। ठीक है, एयरटेल से इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में तस्करी को नियंत्रित करने के लिए भारत और किस देश में संयुक्त गश्त करने की घोषणा की गई है? तो ये नेपाल, भूटान, या फिर बांग्लादेश, या फिर श्रीलंका। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर सही है, ऑप्शन नंबर 1, नेपाल। नेपाल और भारत के साथ, भारत के बीच संयुक्त गश्त की करने की घोषणा की गई है तस्करी से निपटने के लिए। ओके, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति कौन बने हैं? तो हाल ही में दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति कौन बने हैं? तो ये योगेश गुप्ता हैं, योगेश सिंह हैं, अभय कुमार हैं, या फिर विजय साहिनी हैं। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही है 2, योगेश सिंह। योगेश सिंह दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति बने हुए हैं। इससे पहले योगेश गुप्ता थे, अब योगेश सिंह बन गए हैं दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति। दिल्ली, दिल्ली की राजधानी है दिल्ली ही। यहाँ के उपराज्यपाल अनिल बैजल हैं, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, लोकसभा में 7, राज्यसभा में 3, और विधानसभा में यहाँ पर 70 सीटें हो जाती हैं। तो देख लेते हैं, ये हैं दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति योगेश सिंह। ओके, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सत्यजीत रे पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो हाल ही में सत्यजीत रे पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? बी गोपाल को, योगेश सिंह को, अभय शर्मा को, या फिर विजय सान्याल को? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही है, बी गोपाल। बी गोपाल को सत्यजीत रे पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रव्यापी नदी पशुपालन कार्यक्रम शुरू किया गया है, तो ये किस राज्य के द्वारा किया गया है? हाल ही में किस राज्य में राष्ट्रव्यापी नदी पशुपालन कार्यक्रम शुरू किया गया है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, या फिर हरियाणा? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही है, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रव्यापी नदी पशुपालन कार्यक्रम शुरू किया गया है, उत्तर प्रदेश। तो देख लते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में। उत्तर प्रदेश में देवबंद में ITS प्रशिक्षण शुरू किया गया है। नवीन रोजगार छतरी योजना उत्तर प्रदेश में चल रही है। काला नमक चावल महोत्सव उत्तर प्रदेश में हो रहा है। मंडवाडीह रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बनारस रेलवे स्टेशन रखा गया है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के ही गाजियाबाद देश का पहला ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड जारी करने वाला नगर निगम बना हुआ है। उत्तर प्रदेश देश का पहला वर्चुअल मॉल खोलने वाला प्रदेश बनेगा, ये फिक्की के सहयोग से खोलेगा। फिर अगला है, लैंड रिकॉर्डेड सर्विस इंडेक्स में उत्तर प्रदेश का 15वां स्थान और प्रथम स्थान पर मध्य प्रदेश रहा है। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स में 2020 में उत्तर प्रदेश के 14 शहर शामिल किए गए हैं, जिसमें लखनऊ 26वें स्थान पर, वाराणसी 27वें और कानपुर 28वें स्थान पर इसमें रहा है। फिर है अगला है, पीलीभीत टाइगर रिजर्व को बाघों की आबादी दोगुना करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार क्या है? 2X2 दिया गया है। ठीक है, फिर क्या है, अवंती बाई लोधी बदायूं, उषा देवी लखनऊ और झलकारी बाई गोरखपुर के नाम पर UP में 3 PSC महिला बटालियन बनाई गई हैं। ओके, अगला है, स्वदेशी पशुओं के संरक्षण में के संवर्धन हेतु वाराणसी में गोकुल ग्राम की स्थापना की गई है। राज्य का पहला खेल विश्वविद्यालय मेरठ में स्थापित किया जाएगा। अगला है, कुशीनगर एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का लाइसेंस दिया गया है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के ही गढ़मुक्तेश्वर हापुड़ में NDRF की पहली महिला टीम की तैनाती की गई है। कहाँ? गढ़मुक्तेश्वर के हापुड़ में। फिर क्या है, उज्ज्वला 2.0 की शुरुआत 10 अगस्त 2021 को महोबा से शुरू हुई थी और ई पंचायत पुरस्कार उत्तर प्रदेश को मिला हुआ है 2021 का। ऑपरेशन लगड़ा काकोरी ट्रेन एक्शन, ये इसका नाम बदला गया है। ठीक है, ओके, तो देख लेते हैं उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, लोकसभा में 80, राज्यसभा में 31 और विधानसभा में 404 सीटें यहां पर हैं। विधान परिषद में यहां पर 100 सीटें हैं और यहां का राष्ट्रीय उद्यान है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। ओके, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, यूनेस्को ने किस देश के लिए 2021 टेस्ट ऑफ द एजुकेशन रिपोर्ट लॉन्च की है? तो इसमें हमारा ऑप्शन है भारत, ऑप्शन नंबर 2 है बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर 3 है श्रीलंका, ऑप्शन नंबर 4 है भूटान। तो
तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही है, तो ऑप्शन नंबर इसमें हमारा सही है एक, क्या है, भारत। भारत के, भारत को यूनेस्को द्वारा 2021 टेस्ट ऑफ द एजुकेशन रिपोर्ट जारी की गई है। किसके द्वारा, तो यूनेस्को के द्वारा, भारत के लिए। ओके, अगला क्वेश्चन है, तो आज के क्वेश्चन हमारे यहीं समाप्त होते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें, और अपने दोस्तों को भी सलाह दें कि वो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद। हैव ए नाइस डे, गुड डे।